अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन सीफ्लोक्सन 500 mg टैबलेट के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन इस टैबलेट की कंपोजिशन है। इसका जेनेरिक काम एंटी बैक्टीरिया को ख़त्म करना है और एंटी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये टैबलेट 250 mg और 500 mg में दस्तयाब होती है और इसको सेल लेबोरेटरी तैयार करती है। डिटेल में जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बात करते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे के बारे में और जानते हैं किन किन सूरतों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइफाइड बुखार में ये टैबलेट इस्तेमाल होती है। टाइफाइड बुखार के लिए ये बेहतरीन टैबलेट है। इसके अलावा निमोनिया के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल होती है। निमोनिया के लिए भी बहुत ही मुफीद आराम आ जाएगा इसके लिए। टैबलेट और यूटीआई यानी टैबलेट है। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। जख्म होते हैं उनको ठीक करने के लिए, नाली में इंफेक्शन हो तो इसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा गले में और खांसी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से ब्रोंकाइटिस यानी कि شدید جراثیم पेचस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी आंतरियों में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। और इसके अलावा ओटिटस मीडिया यानी कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है और कान दर्द करता है, तो इसको ठीक करने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और ये टैबलेट गर्दन तोर बुखार में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दांतों में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिल्द के अमराज के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद और बेहतरीन है। और ये टैबलेट साइनस इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए भी मुफीद टैबलेट है। और ये टैबलेट जेंटर इन्फेक्शन यानी पोशीदा अज्जा में इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और ये बीमारी मेल और फीमेल में एक दूसरे को सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे में मुंतकिल हो जाती है, तो इसके लिए भी मुफीद टैबलेट है। ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट के इस्तेमाल से सर में दर्द हो सकता है, मतली और उल्टी हो सकती है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, मैदे में जलन हो सकती है और इसके अलावा पेट में दर्द का होना हो सकता है। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि 100 में से किसी एक को ही हो सकते हैं। अगर किसी को भी इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो फौरन इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अब बात करते हैं कौन से लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आमला ख़वातीन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, जिगर के मरीज़ भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो लोग इस टैबलेट की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों इसका इस्तेमाल ना करें। 500 mg की टैबलेट दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद सुबह और शाम को। ये थे इस टैबलेट के इस्तेमाल। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।